गैजेट गीक चैनल में आपका स्वागत है। गूगल क्रोम को भारत में कड़ी टक्कर देने के लिए ब्रेव ब्राउजर को लॉन्च कर दिया गया है। इस ब्राउजर की खासियत है कि यह थर्ड पार्टी एड्स और कुकीज को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है, वहीं इसे नए एडवर्टाइजिंग मॉडल के तहत बनाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्राउजर में दिखाई जा रही एड्स पर क्लिक करने पर यूजर को पैसे भी मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि वह ऐड देखने वाले यूजर्स को रेवेन्यू का 70% हिस्सा देगी, वहीं 30% ब्राउजर के डेवलपर्स के हिस्से में जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने पार्टिसिपेटिंग यूजर्स को इस साल $60 से $70 तक कमाने का अवसर दिया है, वहीं 2020 में यह अवसर $224 तक होने की संभावना है। कंपनी ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि इस ब्राउजर में दिखाई जाने वाली एड्स के जरिए हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सिस्टम को पूरी तरह से बदल के रख देंगे। ब्रेव ब्राउजर ने अपनी स्पीड, सिक्योर ब्राउजिंग और क्विक नेविगेशन को लेकर 200 करोड़ यूजर वाले गूगल क्रोम ब्राउजर को टक्कर देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि ब्रेव ब्राउजर को सबसे पहले वर्ष 2018 में iOS के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसे एंड्रॉइड के अलावा macOS, विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी उपलब्ध करवा दिया गया है। ब्रेव ब्राउजर की वेबसाइट में दावा किया गया है कि यह क्रोम की तुलना में डेस्कटॉप पर 2 गुना और मोबाइल पर 8 गुना तेज काम करता है। इस ब्राउजर की एक और खासियत है कि इसके सभी यूजर्स के ब्राउजिंग डाटा को स्टोर नहीं करते हैं, को प्राइवेसी सेटिंग्स को कस्टमाइज करने की भी ऑप्शन मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।